जी नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर उपस्थित एक नए ब्लॉग के साथ। तो आज हम आ चुके हैं मुजफ्फरपुर का स्ट्रीट फूड ट्राई करने के लिए। और ये जो स्ट्रीट फूड है तो आप देख सकते हैं रामचंद्रपुर का जो बिजली चौका है, और ये जो है तो आपको पानी टंकी चौक से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो इसी कॉर्नर से आपको जो है तो यहाँ पर राधा कृष्ण मंदिर है। राधा कृष्ण मंदिर के पास में ही है। और फिलहाल आज बारिश का समय है, जब हम निकले तो उस समय बारिश हो रही है, देख सकते हैं ज़्यादा हो चुका है। तो अंदर चलते हैं, इनसे चलते हैं, इनसे थोड़ा सा घाट है और इनसे चलते हैं और बातें करते हैं कि जो है तो ये लिट्टी कितने, इनका लिट्टी में क्या क्या चीज़ होता है, मतलब चोखा देते हैं या क्या देते हैं, और सबसे ये जो लिट्टी का दुकान है सारा चीज़ हम बात करते हैं। तो सलीम जो यहाँ पे जो लड़के हैं वो बैठे हुए हैं और इन्हीं से आप बात करेंगे और इसके बारे में बातें करेंगे और इसके बारे में जानकारी लेंगे। तो आप बने रहेगा ब्लॉग में लास्ट तक। तो एक आपका कितना दिन पुराना ये दुकान है? 40 साल से ये पुराना दुकान है। रेट कैसा है सूखा का, और अगर घी वाला लेते हैं तो इसका प्लेट दो लिट्टी 30 का घी के साथ में, अगर उसे ले रहे हैं तो बगैर घी का ले रहे हैं तो दो भी, तो भी सेम है। तो देख सकते हैं कि कहने का मतलब है कि 30 रुपये प्लेट है, जिसमें कि दो पीस लिट्टी मिलेगा, चोखा मिलेगा। और चलिए हम लेते हैं, देख सकते हैं इतना यहाँ पर नंबर है कि फिलहाल अभी हमको वेट करना पड़ेगा। अभी लो गया है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, इंतज़ार करते हैं, फिर अब लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं कि कैसा है, टेस्ट है, क्या चीज़ है सारा। एक ही बार में एक आदमी आए हैं और ये भाई जी का इनका ऑर्डर था, एक बार में ये सारा लेके के जा रहे हैं। तो कहने का मतलब समझ सकते हैं कि कितना ये फेमस है, कैसा है, कैसा लिट्टी बनाते हैं, टेस्ट के इनका टेस्ट के हिसाब से देख सकते हैं। एक पूरा जो भी था वो ख़त्म हो चुका, फिलहाल अभी हम इंतज़ार करते हैं। करके अभी बारिश में मना रहे तो आप सब अपना प्यार भी जरूर मनाइएगा, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। प्याज है, मिर्च है और चोखा है, ठीक है। तो इसी के साथ हम इसको ट्राई करते हैं और बताते हैं आपको ये टेस्ट कैसा है। थोड़ा गर्म है, इसमें लिट्टी में सब कुछ काफ़ी अच्छा से भरा हुआ है और घी भी काफ़ी अच्छा टेस्ट का है, काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर कभी जो टेस्ट की बात करें तो लिट्टी की टेस्ट काफ़ी अच्छा है और प्योर सत्तू भरा हुआ है, काफ़ी अच्छा से सब किया हुआ सत्तू जो है काफ़ी अच्छा भरा हुआ है। तो अभी अगर आना चाहते हैं तो आ सकते हैं यहीं पे, जो कि हमने पहले भी बता दिया कि पानी टंकी से लगभग 500 मीटर आगे ये राधा कृष्ण मंदिर है, उसी के पास में ये जो छोटा सा कार्ड है और यहीं पर आपको मिलेगा। ये जो 40 साल पुराना दुकान है तो इसी के साथ चौका हम ये इंजॉय करते हैं अपना लिट्टी चौका। और इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं। ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।